नमस्कार, आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं ब्लूमबर लेके आई हूँ। ये देखो इस तरह बना है। ये मैंने पीछे वाला हिस्सा बनाया है बिल्कुल सिंपल। ये देखो यहाँ ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर जाता है। ये नीचे मैंने इसकी ये कटिंग डाली है। ये मैंने पीछे वाला हिस्सा है और आगे वाला हिस्सा आपको मैं बनाना सिखाऊंगी कैसे बनाना है। बिल्कुल सिंपल है और ये 3-4 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाया है। नीचे इसके लेगिंग्स डालकर ऊपर टी शर्ट डाल के ऊपर इसको डालो, बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर की तरफ से मैंने शुरू किया। ये आगे वाला हिस्सा मैंने बनाया, आगे मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन डाला है। ये देखो ये मैंने 70 फंदे डाल के नीचे पहले बॉर्डर बनाया, फिर आगे मैंने ये डिज़ाइन डाला। पहले आपको मैं बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी, ये वाला, फिर इसके बाद ऊपर डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये देखो ये डिज़ाइन मैंने 70 फंदे डाल के मैंने ये डिज़ाइन बनाया। दो बीच मैंने बटन होल बनाए हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मैंने 20 फंदे छोड़ के मैंने एक बटन होल करके इधर से 20। जी आपको मैं पहले डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ। बिल्कुल सिंपल है। ये देखो पीछे से हमने ऐसे ऐसे बुन के पीछे से ऐसे करना, एक सीधा एक उल्टा। देखो पीछे से ऐसे करके धागे को ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। पीछे से ऐसे करके देखो ऐसे दोनों तरफ से ऐसे ही बनेगा, एक सीधा एक उल्टा। एक सीधा एक उल्टा। उल्टा सिंपली बनाना, जो सीधा बनाना वो हमने धागे को ऐसे ऐसे नहीं करना, इस तरह करना और पीछे से करना, आगे से नहीं करना। बाकी ऐसे नहीं करना, पीछे से इसको ऐसे करके पीछे ले जाना, पीछे से ऐसे। सत्तर फंदे डाल के मैंने स्टार्ट किया है। उल्टी सिलाई भी हमने ऐसे ही बनानी है। पीछे से सीधा फंदा, पीछे से ऐसे उल्टा ऐसे।
पूरी सिलाई ऐसे कंप्लीट कर लो आप। एक सीधा एक उल्टा, ये देखो ऐसे आ जाएगा। ये तो हो गया बॉर्डर। अब हम आपको ये बनाना सिखाते हैं। ये देखो मैंने बॉर्डर के बाद मैंने चार सिलाइयां सीधी उल्टी की चढ़ा ली है, क्योंकि हमने ये डिज़ाइन बनाना है। ये डिज़ाइन आठ फंदों का है, वो कैसे बनाना ये देखो। एक फंदा वैसे उतारा, तीन फंदे हमने स्लिप करने हैं, एक दो और तीन। एक फंदा हम दूसरा कलर लगा लेंगे, सीधा बुना, एक दो, ये देखो इस फंदे को छोड़ के दूसरे फंदे में एक दो तीन और चार, चार के जो है उसके अंदर से ऐसे धागा निकाल के ऐसे निकाल दें। फिर दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फिर उसी में वापस एक और फिर ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे, ये देखो। फिर दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे, ये देखो। फिर हमने एक फंदा और बढ़ाना है। ये हमारे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फंदे हो गए, पांच फंदों के आठ फंदे बन गए। फिर तीन फंदे हम स्लिप कर लेंगे, फिर एक फंदा हम बुनेंगे, फिर एक दो तीन चार, यहाँ से एक फंदा बढ़ जाएगा, फिर दो सीधे बुन लेंगे, फिर एक यहाँ से, फिर दो सीधे, फिर एक यहाँ से तीन और पांच, आठ फंदों का डिज़ाइन है इतना। ये फंदे हमारे हम स्लिप करेंगे, क्योंकि आगे हमने जाना नहीं, इसलिए यहाँ से मोड़ लेते हैं। धागा आगे पीछे कर देना। अब जो हमने एक फंदा स्लिप किया था, एक हमने फंदा बढ़ाया था और एक सिंपल था बुना था, उन दोनों को एक कर देना। एक फंदा फिर बुन लिया, फिर दो, एक फंदा बढ़ाया था एक, ये ध्यान रखना, एक जो फंदा बढ़ाया उसके साथ वाले फंदे के साथ दो का एक करना, दो का एक। फिर एक फंदा बुन लिया, फिर दो का एक। धागा आगे कर लो, तीन फंदे हमारे वैसे ये उतारने हमने, फिर धागा पीछे, फिर एक फंदा हमने बढ़ाया था एक उसके साथ दो का एक, फिर एक सिंपल बुन लिया, फिर दो का एक, फिर एक सिंपल बुन लिया, फिर दो का एक। ये हमारे पांच फंदे थे, पांच से पांच वापस कर लिए। फिर धागा आगे करके ये फंदे हमने उतार लिए। ये देखो अब हमने चार सिलाइयां सीधी उल्टी की चढ़ाएंगे, सिंपल सीधी और उल्टी। अब हमने कुछ नहीं करना, चार सिलाइयाँ हम ऐसे बुन लेंगे। चार सिलाइयाँ बुन के आपको फिर मैं आगे दिखाती हूँ, ऐसे सीधी और उल्टी। ये देखो ये मैंने चार सिलाइयाँ सीधी उल्टी की चढ़ा ली। अब क्या करना, अब आगे, अब हमने तीन फंदे स्लिप किए थे ना, अब हमने आठ फंदे स्लिप करने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फंदे हो गए। एक तो हमने वैसे बुना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब हमने एक फंदा जब बुन लिया,
अब ये सेंटर वाला फंदा हमारा आ गया, ये देखो, एक दो तीन चार और पाँच, चार यहाँ से हमने फिर एक फंदा बढ़ा लिया, दो फंदे बुन लिए, फिर एक फंदा बढ़ गया, फिर दो फंदे हमने बुन लिए, फिर एक फंदा हमारा ये बढ़ गया, फिर तीन फंदे हमने स्लिप कर लिए, फिर एक फंदा बुन लिया, एक दो तीन चार, यहाँ से फिर दो फंदे बुन लिए, फिर एक फंदा हमारा बढ़ गया, फिर दो फंदे हमारे बुने गए और एक फंदा हमारा फिर जहाँ से बढ़ जाएगा। ये दो फंदे पहले हमारे दो का एक करेंगे, ये देखो दो का एक, एक सिंपल बुन लिया, फिर दो का एक, फिर एक सिंपल, फिर दो का एक, फिर धागा अपनी तरफ किया और तीन फंदे हमारे उतार लिए, धागा पीछे किया, फिर दो का एक, एक सिंपल बुन लिया, फिर दो का एक, फिर एक सिंपल बुन लिया, फिर दो का एक, फिर धागा अपनी तरफ करके ये सारे फंदे हमारे देखो। अब हमने फिर चार सिलाई सीधी उल्टी की चढ़ानी है, उसके बाद फिर वापस ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, देखो बीच बीच में ऐसे बनना जाएगा। ये हमारा हो गया डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बनाने के बाद ये देखो मैंने अब इसकी कटाई करनी शुरू कर दी मैंने। ये कैसे करनी है, पहले फंदा उतारा, दूसरा भी उतार लिया, एक दो और तीन, तीन फंदे हमने कटा दिए, फिर सीधी सिलाई दोनों तरफ से तीन तीन फंदे हमने कटाने हैं। हर सिलाई में तीन तीन फंदे, एक फंदा रह जाए इसको वैसे ही उतार लेंगे, बुनेंगे नहीं, वैसे उतार लेना। उल्टी सिलाई में इस फंदे को ऐसे उतारा, धागा पीछे किया, इसको भी उतार लिया वैसे ही, एक दो और तीन, बाकी सारी सिलाई सीधी। ये देखो ऐसे ना चेन चेन सी आ जाएगी, ये देखो, क्योंकि हमने फंदे यहां से उठा के फ्रिल बनानी है। ये आपको पसंद आ रहा है तो आप पूरा वीडियो देखना और कैसे फ्रिल बनती है सारा आप ध्यान से देखना, पूरी सिलाई सीधी।
एक फंदा रह जाए इसको बुनना नहीं, ऐसे उतार लेना। फिर फंदा उतारा, धागा पीछे किया, फिर फंदा उतारा, एक दो और तीन, ऐसे आप पूरे फंदे कटाते जाओ। कितने छोड़ने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 12-24 फंदे रह जाएंगे। तो आप फिर सीधा सीधा सिलाइयाँ ऐसी चढ़ा लेनी। देखो इतनी कटाई करके जो 24 फंदे रह जाएंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सिलाइयाँ सीधी बुन ली, कोई कटिंग नहीं करनी। इतना आप बना लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना। इतनी कटिंग आप करते जाओ, तो कटिंग करने के बाद इतनी जब फंदे रह जाए इतना सिंपल बुन के, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना। हाँ देखो पूरा बन के ये कटिंग पूरी हो गई। आगे मैंने ये सिलाइयाँ भी चढ़ा ली। अब हमने दोनों को ऐसे बंद कर देना, ऐसे सुई के साथ ऐसे बंद करेंगे। देखो कैसे, पहले फंदे को ऊपर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 फंदे मैंने रखे दोनों तरफ, 24-24 फंदे। ये फंदा हम ऐसे गिरा देंगे, फिर एक फंदा इधर से और एक इधर से। एक इधर पहला फंदा जो नीचे गिराया ना, इसको ऐसे उठाएंगे, एक ऐसे एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। एक नीचे वाला नीचे वाला फिर एक ऊपर वाला। एक यहां से और एक यहां से। इस तरह आप पूरा ख़त्म करना है। जो इधर वाला है सिलाई में करना ना, जो दोनों फंदे पवाए इकट्ठे और चुक लो। देखो एक वाला ये वाला और एक ये वाला।
इधर वाला जो करना पहले इधर, फिर इधर, देखो बिल्कुल नजर आएगा आपको सिलाई बिल्कुल वही वाला डिजाइन जो सीधे सीधा बुना हमने वही वाला आया। ऐसे आप पूरा कर लो, ये देखो ऐसे पूरा आप बंद कर दो। ये देखो ये पूरा बन गया। अब मैंने पीछे इसके यहाँ बेल्ट बनाई है, ये देखो पीछे फंदे उठाकर आठ आठ फंदे उठा के मैंने यहाँ से ये सीधी सीधी मैंने बेल्ट बना ली है, ये देखो और इसके आगे मैंने ये मैंने फ्रिल सी बनाई है। ये कैसे बनानी है आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो ये सीधी सीधी बनाकर ऐसे आ जाएगी। अब हमने इधर बनानी है, वो आपको बनाना मैं सिखाती हूँ। ऐसे फोल्ड करके आपने जितनी लंबी बेल्ट बनाना चाहते हो बना लो। यहाँ से ऐसे फोल्ड करके और इतने हम उठाएंगे फंदे, जो मैंने पहले कितने उठाए देख सकती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 फंदे मैंने ये छोड़ के आप बेल्ट उठाऊंगी मैं। ऊपर से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 फंदे मैं छोड़ के मैं उठाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 यहाँ से मैं फंदे उठाना शुरू करूँगी। ऐसे तई मैंने इधर छोड़े, तई मैंने उधर छोड़ लेने। ऐसे आप इधर भी तई छोड़े इधर भी तई छोड़ देना, तो आप ऐसे फंदे उठा लो। ये देखो फंदे उठाने के बाद आप अपनी जो बेल्ट बनाओगे ना
ब्रदर तीन हिस्से करने, दो एक एक हिस्सा छोड़ के तीसरे हिस्से में आपने फंदे उठाने हैं। ये जरूरी नहीं तई लेने, आपने लंबी बनानी है तो लंबी भी बना सकते हो। ये देखो एक के हमने दो दो फंदे कर लेने। अब एक फंदे के दो फंदे, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे एक इसके पीछे, एक आगे एक इसके पीछे से। बाकी बेल्ट, उसके बेल्ट के तीन हिस्से करके जितने फंदे उठाए जाते हैं उतने उठा लेने। अब उसके हमने डबल कर लेने, अब हमने इसके ऊपर एक सीधा और एक उल्टा, ये देखो ऐसा डिजाइन बनाना है। उसके बाद सीधी सिलाई, एक सीधा एक उल्टा बुनेंगे, उसके ऊपर उल्टी सिलाई में उल्टे ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा। अब क्या करना, देखो पहले सीधा फिर एक उल्टा फिर एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे आप पूरी सिलाई कंप्लीट कर लो। उल्टी सिलाई में क्या करना, जो सीधा फंदा था ना इसके ऊपर हमने उल्टा बना देना, उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा, ये सीधा है इसके ऊपर उल्टा डालेंगे, सीधे के ऊपर उल्टा और उल्टे ऊपर सीधा। सीधे के ऊपर उल्टे के ऊपर सीधा, ऐसे आप पूरी सिलाई कंप्लीट कर लो। तीसरी चौथी सिलाई के बाद एक एक फंदा हमने यहां से उठाना है, आपको दिखाती हूं मैं। हर सिलाई में नहीं, जो एक दो सिलाइयां तीन सिलाइयों के बाद हमने एक फंदा यहां से उठाना है। इससे क्या होगा, यह शेप बन जाएगी गुलाई की शेप। आज देखो ऐसी गुलाई, देखो ऐसी गुलाई बन जाएगी। मतलब तीसरी चौथी सिलाई के बाद आप देखो जो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो एक फंदा आपने यहाँ से उठा लेना। ऐसे करके पूरी शेप बनती जाएगी। ये मैंने एक दो
एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ सिलाइयाँ मैंने, बड़ा सिलाइयाँ मैंने ये डिज़ाइन की डाली है, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। ऐसे आप बना लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना। ये देखो ये बन गया दोनों, ये देखो। अब नीचे हमने यहाँ भी ऐसे बना लिया, ये देखो। यहाँ ऐसे बनाकर मैंने इसकी सिलाई भी कर ली। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। इस तरह फंदे पूरे हम उठाएंगे, यहाँ से लेकर पूरे ऊपर तक, यहाँ तक, यहाँ से इस तरह आप फंदे उठा लो। पूरा यहाँ से लेकर पूरा ऊपर यहाँ तक ऐसे उठाकर फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना है। फंदे पूरे ऐसे आप उठा लो, ये देखो पूरे फंदे उठा ले। उल्टी सिलाई, अब उल्टी सिलाई में हमने क्या करना, जैसे हमने पहले किया था ना, एक फंदे के दो दो फंदे बनाने, हर एक फंदे के हमने डबल फंदे कर लेने, एक के दो दो फंदे। एक फंदे के दो दो फंदे बनाए जाने, पहला एक फंदा सीधा इधर इधर बनाया, फिर पीछे से एक फंदा ले लिया, एक आगे से एक पीछे से, एक फंदे के दो फंदे बनाने हैं, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से। ऐसे आपने पूरे फंदे करने के बाद फिर एक उल्टा और एक सीधा, दूसरी सिलाई में हमने ये वाला डिज़ाइन ही बनाना है, एक सीधा एक उल्टा। ये देखो ये मैंने दूसरा तरफ बनाया है, ये देखो एक सीधा एक उल्टे का पूरा आपने फिर ऐसे ही बना लेना। ये पूरा आपने एक एक फंदे के दो दो फंदे बनाने के बाद सीधी सिलाई में एक सीधा उल्टा बुन के फिर आपने वही डिज़ाइन बनाना जो हमने पहले बनाया था, ये वाला। ऐसे बना लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कैसे बन के तैयार होता है। ये देखो ये भी पूरा बन के तैयार हो गया, ये देखो एक सीधा एक उल्टा, उल्टे ऊपर उल्टी सिलाई में उल्टे ऊपर सीधा और सीधे ऊपर उल्टा डाल के ये पूरा मैंने फ्रिल तैयार कर ली। अब इसको हम बंद कर देंगे, सिंपल जैसे हम बंद करते हैं। ऐसे पूरा आप ऐसे पूरा बंद कर लो, फिर आपको मैं पूरा बना कर दिखाती हूँ। ये देखो पूरा बन के तैयार हो गया, ये नीचे फ्रिल बन गई, ये देखो ऊपर भी। ये आपको मैं दिखा देती हूँ इसकी कितनी लंबाई रखी मैंने, बाई इंच मैंने ये स्टेप बनाए हैं। आप छोटे बड़े बना सकते हो, बस स्टेप जो बनाने हैं अपने ये वाले, इसके तीन हिस्से कर लेने, दो हिस्से, एक हिस्सा इधर छोड़ देना, एक हिस्सा इधर छोड़ देना, और सेंटर वाले में आपने ये
फ्रिल बनानी है। ऐसे करके आपने सेंटर में आपने यहाँ से फ्रिल बनानी शुरू कर देनी। इसकी लंबाई रखी है मैंने, तेरह इंच, ये देखो 13 इंच लंबाई रखी मैंने। ये 3-4 साल के बच्चे के आराम से आ जाएगा। यहाँ बटन लगा देंगे। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।